आज के समय में जब अदालतों में लाखों केस पेंडिंग हैं और लोगों को न्याय के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, ऐसे में लोक अदालत ऐसा तंत्र है जिसके जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर हल किया जाता है। लोक अदालत सुलह कराने की नियति से शुरू की गई थी। कहते हैं कि मामलों के निपटारे का यह वैकल्पिक माध्यम है। इसे बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कहते हैं। यह कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन करता है। लोक अदालत का आदेश या फैसला आखिरी होता है। इसके फैसले के बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर आपराधिक मामलों का निपटारा करती है। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 29 में आर्थिक न्याय की अवधारणा जोड़ी गई। यहां सरकार से उम्मीद की गई कि यह सुनिश्चित करे कि देश का कोई भी नागरिक पैसों की कमी या दूसरी वजहों से न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसके बाद सबसे पहले साल 1980 में केंद्र सरकार के निर्देश पर सारे देश में कानूनी सहायता बोर्ड कायम किया गया। फिर बाद में इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ और विधिक सहायता और स्थायी अदालतें अस्तित्व में आई। लोक अदालत की ताकत। लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कार्रवाई की शक्ति होती है। इसके पास किसी गवाह को समन भेजना और शपथ दिलवाकर उसकी परीक्षा लेने का अधिकार, किसी दस्तावेज को प्राप्त और प्रस्तुत करने, किसी भी अदालत या कार्यालय से दस्तावेज की मांग करने तथा शपथ पत्रों पर सबूतों को प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी सभी शक्तियां जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती वह लोक अदालत के पास होती है। आम लोगों को क्या फ़ायदा है? कोर्ट फीस नहीं लगती, पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है, किसी पक्ष को सज़ा नहीं होती, मामले को बातचीत के बाद सफाई से हल कर लिया जाता है, मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है, मामले का निपटारा जल्दी हो जाता है, सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है, फैसला आखिरी होता है, फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं होती है।